आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 अध्याय 2 को आगे प्रारंभ करेंगे। हम पढ़ रहे हैं कलहण की राज तरंगिणी एवं कश्मीर का इतिहास। इसके अंदर अब देखेंगे, यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। वे कश्मीर पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों की पूर्ण वंशावली भी देना चाहते थे। कौन? कलहण। हर्ष की मृत्यु के बाद गृह युद्ध तथा संघर्ष का युग आ गया था, यानी जो हर्ष था उसके बाद में भारत में अराजकता फैल गई थी, क्योंकि उस समय ऐसी कोई सर्वशक्तिमान शक्ति नहीं थी जिसकी बात को सभी माने, और छोटे छोटे राज्यों का उदय हो गया जो आपस में हमेशा संघर्षरत थे। उस समय अनिश्चय एवं अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त था। वह एक अन्य ऐसा तत्व था जिसने कलहण को अपना इतिहास लिखने के लिए प्रेरित किया। अपने इतिहास के द्वारा वह जीवन, सांसारिक जीवन तथा भौतिक ऐश्वर्य की नश्वरता को प्रकट करना चाहते थे, यानी वो दिखाना चाहते थे इसके माध्यम से किस तरीके से नए नए वंशों का उद्भव होता है और वो पानी के बुलबुले की तरह नष्ट हो जाते हैं। और जिस तरीके से हर्ष के बारे में भी दिखा, कितना विशाल उसका साम्राज्य था, परंतु वो भी अब टुकड़ों के अंदर बंट चुका है, यानी इस संसार की वो नश्वरता सिद्ध करना चाहते थे। उनकी ये इच्छा थी कि लोग अपने अतीत की गलतियों से सबक लें, इतिहास से सीख या सबक लेने के लिए उन्हें स्थितियों एवं घटनाओं का विश्लेषण करना पड़ा। ये विश्लेषण ही उनकी कृति को अन्य कृतियों की तुलना में विशिष्ट बना देता है। इतिहास तो कई लेखकों ने लिखा है, परंतु उन सब की तुलना में जो कलहण ने इतिहास लिखा राज तरंगिणी के अंदर, वो काफ़ी विशिष्ट है, महत्वपूर्ण है, सबसे अलग है। कलहण की कृति एक महान वीर के क्रियाकलापों के साथ साथ तत्कालीन समाज का वर्णन है जिसमें कलहण रह रहा था। उसका परिवार राजनीतिक सत्ता के काफ़ी निकट था और उन्हें इस क्षेत्र के इतिहास के एक महत्वपूर्ण युग के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हुई, और उसी जानकारी के आधार पर उसने इतिहास का लेखन किया। उन्हें राज्य की तरफ से कोई विशेष सहायता नहीं मिली, यही वजह है कि उनकी रचना अन्य प्रशस्ति प्रकृतियों से ऊपर उठ सकी। यानी जिसको राजकीय संरक्षण मिलता था, सहायता मिलती थी, वो कृतियाँ उतनी विश्वसनीय नहीं होती थी। उनकी रचनाओं के लिए उन्होंने काव्य की विधा को अपनाया था। उन्होंने अपनी रचना में रसात्मकता के साथ साथ ऐतिहासिक सत्य का संयोजन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कवि को निष्पक्ष होना चाहिए, यानी किसी को किसी लालच में किसी का झूठा वर्णन या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं करना चाहिए। कवि को निरपेक्ष होना चाहिए, सबके प्रति बराबर व्यवहार करके जो सत्य हो उसी को लिखना चाहिए। कलहण ने उन सत्रों का विस्तार से हवाला दिया जिनकी उन्होंने अपना इतिहास लिखने में जांच पड़ताल की, यानी उसकी सहायता ली। उन्होंने अपने से पहले के 11 विद्वानों का उल्लेख किया जिन्होंने राजाओं की काल क्रमानुसार सूची दी, और साथ ही उन्होंने उन विद्वानों की विवेचन पद्धति की कमियों की ओर भी इशारा किया। यानी उन्होंने दिखाया कि कैसे मैंने इन चीज़ों को कहाँ से मैंने ग्रहण की है, और जिसने ये लिखी है उसने लिखने में उनकी क्या कमी रही है, उन कमियों को भी दृष्टिगत किया है। उन्होंने अनुश्रुतियों, परंपराओं और इस क्षेत्र पर लिखी गई प्रमुख रचनाओं जैसे नीलमत पुराण का उपयोग किया। उन्होंने मंदिरों तथा अन्य भवनों में खुदे हुए अभिलेखों का, उन्होंने जो युगांतरकारी उपयोग किया वह एक निश्चित प्रगति का सूचक है। साथ ही पूर्ववर्ती राजाओं द्वारा किए गए भूमिदान तथा धर्मदाय के बारे में उन्होंने अभिलेखों से जो सूचनाएं एकत्रित की उनका भी उपयोग किया। यानी उन्होंने सभी स्रोतों का प्रयोग करते हुए जब वो सत्य को ही परिभाषित करना चाहते थे। इतिहास के तर्क संगत स्रोतों के रूप में अभिलेखों का यह उपयोग निश्चय ही एक महान योगदान था। कलहण ने चौथे तरंग के अंतिम भाग से अपने समय तक अर्थात
3886 लौकिक शक से 4225 लौकिक शक तक उनकी कालगणना और इतिहास सामग्री विस्तृत और विश्वसनीय, जो ईस्वी सन 813-14 से लगाकर 1146 से 50 तक अपने पूर्ववर्ती सूर्यों के 11 ग्रंथों और नीलमत पुराण के अतिरिक्त उसने प्राचीन राजाओं के प्रतिष्ठा शासन, वास्तु शासन, प्रशस्ति पट शास्त्र लेख आदि, भग्नावेश सिक्के और लोक श्रुति आदि पुरातात्विक साधनों से यथेष्ट लाभ उठाने का गवेषणात्मक प्रयास किया। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने युग अवस्थाओं और व्यवस्थाओं का निकट से अध्ययन करते हुए वह भी अपनी टीका टिप्पणी में बेबाक है, यानी जो जहाँ भी जिसके बारे में उसे कहना होता था वो बिना कोई डर भय या किसी अतिशयोक्ति के उसको व्यक्त करता था। और तो और अपने आश्रयदाता महाराजा जय सिंह के गुण दोष का भी चित्रण कर दिया उसने। कौन सी तरंग 8 और श्लोक 1550 में उसने अनुपम तटस्थता का परिचय दिया, यानी अपने जो संरक्षण प्रदान करता थे महाराजा जय सिंह उनके भी गुण दोषों का वर्णन किया। इस प्रकार उनके द्वारा जो लिखित ये ग्रंथ है काफ़ी विश्वसनीय माना जाता है और होना भी यही चाहिए। विश्वसनीय इतिहासकार वही होता है जो किसी बिना किसी प्रभाव या लालच में आए केवल सत्य का ही भाषण करे, सत्य को ही लिपिबद्ध करे, और वही कार्य कल्हण ने किया था। अब देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य का उदय, कला एवं साहित्य का विकास। तो देखो इसका अर्थ क्या होता है, ये दक्षिण भारत के अंदर स्थित काफ़ी महत्वपूर्ण साम्राज्य है जिसका दक्षिण भारत के 4 मुस्लिम राज्यों बीदर, बरार, गोलकुंडा, बीजापुर आदि के साथ में निरंतर संघर्ष चला और अंत में इसी वजह से ये साम्राज्य नष्ट भी हो गया। ये हिंदू वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। कृष्णदेव राय यहाँ का प्रसिद्ध शासक हुआ और इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो विजयनगर का शाब्दायिक अर्थ होता है जीत का शहर। प्राय इस शहर को या नगर को मध्ययुग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता था। विजयनगर साम्राज्य का नाम तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित इसकी राजधानी के नाम पर पड़ा। उस समय चारों तरफ मुस्लिम राज्य ही स्थित थे, तो ये उस समय भारत का जो प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है इसे। इसकी राजधानी विपुल शक्ति एवं संपदा की प्रतीक थी। विजयनगर के विषय में फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने लिखा कि विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक लगा जो उसने देखे या सुने हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण महान साम्राज्य का एक राजधानी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने की। इतिहासकारों के अनुसार दक्षिण में भारत मुस्लिम सत्ता के विस्तार के विरुद्ध यह तीव्र प्रतिक्रिया थी। प्रारंभ में इन दोनों ही भाइयों को मुस्लिम शासकों ने कैद कर लिया और मुसलमान बना दिया, लेकिन दक्षिण भारत में विद्रोह होने पर उन्हीं शासकों ने जब इन्हें मुक्त किया तो इन्होंने वहाँ जा कर के स्थानीय लोगों की सहायता से विजयनगर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। उस क्षेत्र के हिंदुओं ने इस्लामी संस्कृति के प्रभाव से हिंदू धर्म, समाज एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का प्रयास किया और इस नई चेतना के फलस्वरूप विजयनगर राज्य की स्थापना संभव हुई। विदर्णीय नामक संत ने इसी की प्रेरणा से हरिहर बुक्का ने इस साम्राज्य की स्थापना की। तो विदर्णीय नामक संत ने हरिहर और बुक्का को हिंदू धर्म में पुनः दीक्षित किया और उन्हें एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य के निर्माण हेतु प्रेरित किया। ये स्मरणीय है कि हरिहर और बुक्का ने युद्ध में बंदी बनाए जाने के पश्चात इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार विजयनगर का राज्य दक्षिण भारतीय अस्थिर राजनीति और विघटनकारी प्रवृत्तियों के कारण उत्पन्न हुआ। अलाउद्दीन के समय से ही दक्षिण में विद्रोह और उपद्रव होते आए थे और ये मोहम्मद बिन तुगलक का काल था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में
1334 ईस्वी में कांपेली प्रांत में एसआई विद्रोह प्रारंभ हुआ। इसके दमन के लिए हरियर और बुक्का को सेना सहित दक्षिण भारत भेजा गया। वहां पहुंचकर उसने स्वतंत्र सत्ता ग्रहण कर ली और पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने हिंदू धर्म को परिचय एवं प्रोत्साहन दिया। हरियर तथा बुक्का पहले काकतीय शासक प्रताप स्वरूप के सेवक थे। काकतीय वंश का शासक था प्रताप स्वरूप। कालांतर में ये कापेली चले गए और इसके बाद में कालांतर में अनुकूल परिस्थितियों में दोनों भाइयों ने विदारणीय संत के आशीर्वाद से हिंदू बनकर विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली और हरिहर बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। तो इसमें अलग अलग वंश है, संगम वंश, अरविंदु वंश है ना, ऐसे इन अलग अलग वंशों के बारे में हम देखेंगे। तो पहले देखेंगे संगम वंश के बारे में। हरिहर प्रथम और बुक्का के द्वारा स्थापित वंश को संगम वंश का नाम दिया गया। हरिहर प्रथम ने और बुक्का दोनों भाइयों ने सम्राट व महाराजा धीराज की उपाधियां धारण नहीं की। इस वंश के शासकों ने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, यानी इससे तो कई इतिहासकार ये सिद्ध करने लग जाते हैं कि ये स्वतंत्र शासक नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपना ध्यान साम्राज्य विस्तार की ओर दिया। शायद इस वजह से इस ओर उनका ध्यान नहीं गया। अब पढ़ेंगे हरिहर प्रथम के बारे में। 1336 ईस्वी से 1356 संगम वंश के प्रथम शासक हरिहर प्रथम ने अनगोंदी के स्थान पर नवीन नगर विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। इसने होयसल राज्य को अपने राज्य में मिलाया तथा कदम व मदुरा पर विजय प्राप्त की। उसने राज्य में कृषि विकास के कार्य किए। लगभग इसी समय बहुमनी राज्य की भी स्थापना हुई और दक्षिण भारत में प्रभुत्व का संघर्ष प्रारंभ हुआ जो विजयनगर और बहुमनी राज्यों के बीच में हुआ। अब देखेंगे बुक्का प्रथम। 1356 ईस्वी से 1377 ईस्वी हरिहर का उत्तराधिकारी उसका भाई बुक्का प्रथम सिंहासन पर बैठा। उसने मदुरा को अपने साम्राज्य में शामिल किया। सर्वप्रथम बुक्का ने कृष्णा नदी को बहुमनी और विजयनगर साम्राज्य के मध्य की सीमा माना। बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि भी ग्रहण की। तो सबसे पहले उपाधि ग्रहण करने का कार्य इसने किया। अब पढ़ेंगे हरिहर द्वितीय के बाद में। बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय उत्तराधिकारी बना। उसने 1379 ईस्वी से 1406 ईस्वी तक शासन किया। उसने दक्षिण के रेडी शासकों और वारंगल के राजा को पराजित किया। उसने बेलगांव और गोवा के क्षेत्र भी जीते और श्रीलंका के उत्तरी भाग में भी सैनिक अभियान किए। यानी ये प्रथम महत्वपूर्ण शासक था जिसने भारत से बाहर भी अपने सैनिक अभियान किए। उसने महाराजा धीराज तथा राज परमेश्वर की उपाधियां धारण की। ये संगम वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधियां ग्रहण की। उसने कनारा, त्रिचनापल्ली, कांची, सिंगलपुर को जीतकर अपना आदित्य यहाँ पर स्थापित किया, यानी उसने अपने साम्राज्य का और विस्तार किया। अब पढ़ेंगे देवराय प्रथम के बारे में। 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक इसके बाद देवराय प्रथम शासक बना। देवराय प्रथम ने राज्य में सिंचाई की सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकाली। उसके शासनकाल में ही इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर आया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से फुट अप होता है। 1422 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। बाद में वीर विजय शासक बना। उसके समय में बहुमनी राज्य से पुनः युद्ध हुआ और बहुमनी शासक फिरोज शाह ने उसे पराजित किया। इस हार का बदला देवराय द्वितीय ने लिया। तो देखो निकोल कॉन्टी किसके समय में आया था, देवराय प्रथम के समय। अब पढ़ेंगे देवराय द्वितीय के बारे में। इसका काल है 1426 ईस्वी से 1446 ईस्वी। तो अगला शासक वीर विजय का पुत्र देवराय द्वितीय हुआ। वह इन वंश के महान शासकों में से एक हैं। इसे इमाड़ी देवराय भी कहा जाता है। देवराय द्वितीय को इमाड़ी देवराय भी कहा जाता है। उसने आंध्र एवं उड़ीसा के गजपति शासक को पराजित किया।
देवराय योग्य शासक होने के साथ साथ विधा तथा विद्वानों का संरक्षक भी था। उसके दरबार में तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ समय तक रहा। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के समय विजयनगर आया था। अब्दुल रजाक देवराज द्वितीय के समय ही विजयनगर की यात्रा पर आया था। देवराय ने मुसलमानों को मस्जिद बनाने निर्माण की स्वतंत्रता दे रखी थी, बाकी ने नहीं, इसने पहली बार। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को गज बैठकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया। 1446 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर एक भाष्य भी लिखा। उसकी मृत्यु के पश्चात संगम वंश का पतन तीव्र गति से हुआ और उसके बाद में मल्लिकार्जुन शासक बना, जिसे प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। अब देखेंगे विरूपाक्ष द्वितीय, इसका काल है 1465 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष के समय विजयनगर साम्राज्य विघटन की कगार पर आ गया। तब चंद्रगिरी के गवर्नर सालू नरसिंह ने विजयनगर राज्य की रक्षा की। विरूपाक्ष की मृत्यु के पश्चात हुई अराजकता के कारण सालू नरसिंह राजगद्दी पर बैठा। अब इसके बाद में सालू वंश की स्थापना होती है। सालू वंश, इसका काल है 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी। 1485 ईस्वी में नरसिंह सालू ने सालू वंश की स्थापना की। उसने आंतरिक शांति बहाल की, लेकिन उड़ीसा के शासक पुरुषोत्तम गजपति ने उस युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया। किसे? नरसिंह सालू को। अपने राज्य के कुछ क्षेत्रों को गजपति को सौंपकर वह पुनः स्वतंत्र हो गया, मगर 1491 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात इम्माड़ी नरसिंह, इसका काल 1491 से 1505 ईस्वी शासक बना। वह अल्पायु था, अतः उसने उसके संरक्षक के रूप में नरसा नायक की नियुक्ति हुई। उसने सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली और विजयनगर की शक्ति का पुनरुद्धार किया। उसने बीजापुर, बीदर, सोल, पांड्य तथा शेर राज्यों के विरुद्ध सफलता प्राप्त की तथा उड़ीसा के गजपति शासकों को भी पराजित किया। ये महत्वपूर्ण शासक था। इसने पूर्व में मिली हुई हारों का भी बदला ले लिया। इसके बाद में देखेंगे तुलु वंश के बारे में। 1505 से 1770 ईस्वी में नरसा नायक की मृत्यु के बाद उसके बेटे वीर नरसिंह ने इमाड़ी नरसिंह की हत्या कर दी। इसी के साथ सालू वंश का अंत हो गया तथा वीर नरसिंह ने एक नए राजवंश की स्थापना की, जो तुलु वंश के नाम से जाना जाता है। इस वंश का महानतम शासक कृष्णदेवराय था। तो कृष्णदेवराय तुलु वंश का शासक था, जिसने 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी के बीच में शासन किया। अब देखेंगे कृष्णदेवराय के बारे में। 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक। तो कृष्णदेवराय वीर नरसिंह का छोटा भाई था। उसके शासनकाल में विजयनगर ऐश्वर्य एवं शक्ति की दृष्टि से अपने चरमोत्कर्ष पर था। उस समय विजयनगर की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। उमतूर का सामंत शासक स्वतंत्र रूप से आचरण कर रहा था, यानी वो एक शासक की बात ही आचरण करने लग गया। उड़ीसा का शासक प्रताप रुद्र उदयगिरी के तटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार किए हुए था। बहमनी राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों में बीजापुर विजयनगर पर दबाव बनाए हुए था और पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों की शक्ति सुदृढ़ हो रही थी। परंतु 10 वर्ष के संघर्ष में कृष्णदेवराय ने इन सभी समस्याओं का अंत कर दिया। कृष्णदेवराय अपने सैनिक अभियानों में प्राय सफल रहा। उसने बीदर तथा बीजापुर के शासकों सुल्तान महमूद शाह एवं यूसुफ आदिल शाह को परास्त किया। उसने बहमनी सुल्तान महमूद शाह को बरीद से मुक्त कराकर पुनः सिंहासन पर बैठाया और यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। 1520 ईस्वी तक कृष्णदेव राय ने अपने समस्त शत्रुओं को परास्त कर पराक्रम का परिचय दिया। दक्षिण में विजयनगर की शत्रुता स्थापित कर दी।
यानी दक्षिण में विजयनगर की प्रभुसत्ता शत्रुता नहीं सॉरी प्रभुसत्ता स्थापित कर दी। उसने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। उसके शासनकाल में काफ़ी बड़ी संख्या में पुर्तगाली व्यापारी और यात्री विजयनगर में आए थे। पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस ने कृष्णदेव राय के समय विजयनगर की यात्रा की। उसने भटकल में पुर्तगालियों को किला बनाने की अनुमति प्रदान की। कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। उसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। अष्टी स्थापत्य कला में कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नए नगर की स्थापना की। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार क्वेश्चन ये आ भी चुका है कि कृष्णदेव राय ने कौन से नगर की स्थापना की, तो इस देश का नाम था नागलपुर, तथा हजारा एवं विट्ठल स्वामी नामक मंदिरों का निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हुई। कृष्णदेव राय के बाद उसका छोटा भाई अच्युत राय 1529 ईस्वी से 1542 ईस्वी तक शासक बना, लेकिन अच्युत राय एक दुर्बल शासक होने के कारण केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई, यानी वो शासन को सही तरीके से नहीं संभाल पाया और उसमें इतनी योग्यता नहीं थी कि वो शासन कार्य को सही संचालित कर सके। अच्युत राय की मृत्यु के बाद उसका भतीजा सदाशिव राय सिंहासन पर बैठा। इसकी निर्बलता का लाभ उठाकर उसके मंत्री राम राय ने शासन पर नियंत्रण कर लिया। उसने दक्षिण के मुसलमान राज्यों बीजापुर गोलकुंडा अहमदनगर और बीदर के पारस्परिक संघर्ष में हस्तक्षेप करके विजयनगर राज्य की शक्ति व प्रतिष्ठा में वृद्धि की। उसके नेतृत्व में सेना ने अहमदनगर को खूब लूटा और मस्जिदों को तोड़ा। ऐसे में चारों मुस्लिम राज्यों की संयुक्त सेना ने विजयनगर पर आक्रमण करके 25 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा के युद्ध में राम राय को पराजित किया। हालांकि इसमें पराजय में उनसे ज्यादा योगदान इस राम राय खुद का है, जो अपने दंभ के अंदर घमंड के अंदर बैठा रहा तो पराजित किया, और इसके परिणाम तो विनाशकारी होने ही थे, विपरीत परिणाम तो होने ही थे। लेकिन जब उसे पहले से ही पता चल गया था उनके आक्रमणों का, उसके गठबंधन का, लेकिन इसने कोई तैयारी नहीं की, और फिर जब राजधानी पर चढ़ आए तब ये युद्ध के लिए मैदान में गया था। अब इसके बाद में इसका चौथा वंश है अरविंदु वंश, जिसका काल है 1570 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। राम राय का भाई तिरुमाल प्रधानमंत्री बना। उसने पेनुगोड़ा को राजधानी बनाया। 1570 ईस्वी में उसने सदाशिव राय को हटाकर स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया। उसने अरविंदु वंश की नींव रखी। विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे विखंडित तो होता गया तथा मैसूर बेदनूर तंजोर आदि स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। 1612 ईस्वी में वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की। किसने की? 1612 ईस्वी में वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य लगभग 3 शताब्दी तक जीवित रहा, जिसने दक्षिण भारत में हिंदू धर्म व संस्कृति के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब पढ़ेंगे सांस्कृतिक प्रगति। मध्यकालीन दक्षिण भारत के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक योगदान का विशेष महत्व रहा। 2 शताब्दियों से कुछ अधिक समय तक विजयनगर का राज्य दक्षिण की राजधानी में अपना प्रभाव बनाए रखने में सफल हुआ। इन राज्यों के शासकों ने सांस्कृतिक जीवन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। काफ़ी महत्वपूर्ण था, समृद्ध राज्य था, व्यापार की दृष्टि से उन्नत था तथा यहाँ के शासक भी जनहितैषी थे। हिंदू शासकों की सत्ता के अधीन होने के कारण ये राज्य हिंदू धर्म एवं संस्कृति का केंद्र रहा। विजयनगर के शासकों ने विशेषकर हिंदू धर्म और संस्कृति को प्रोत्साहन दिया, उनका प्रचार किया। मध्यकाल में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का श्रेय विजयनगर के शासकों को ही दिया जाता है, क्योंकि मुस्लिम धर्म के उदय के बाद हिंदू धर्म अवनति की ओर चला गया था। विजयनगर के शासकों ने साहित्य, स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत आदि को प्रोत्साहन दिया। विजयनगर साम्राज्य को सांस्कृतिक गतिविधियों का उत्कृष्ट केंद्र बनाया, जिसकी पुष्टि तत्कालीन साहित्यिक अभिलेखों और विदेशी यात्रियों के वर्तमान से भी होती है।
अब देखेंगे साहित्य का विकास। विजयनगर की साहित्य कृतियों में धार्मिक, ऐतिहासिक, जीवन वृतांत एवं काव्य संबंधी रचनाएं उपलब्ध है। विजयनगर के प्रारंभिक शासकों में बुक्का प्रथम ने अनेक धार्मिक रचनाओं के लेखन में योगदान दिया। सायण के नेतृत्व में विद्वानों के एक मंडल ने चारों वेदों की संहिताओं सहित अनेक ब्राह्मण ग्रंथों और आर्णिकों पर भाष्य लिखे। कृष्णदेव राय के संरक्षण में ईश्वर दीक्षित ने हेमकूट नामक महाकाव्य पर दो टीकाएं लिखी। अगस्त्य ने अनेक काव्यों की रचना की, जिसमें कुछ रचनाओं पर कृष्णदेव के मंत्री सारुआ तिम्मर ने टीका लिखी। विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय एक उत्कृष्ट कोटि का कवि और लेखक था, जिसने संस्कृत एवं तेलुगु शिक्षाओं में प्रवीणता प्राप्त थी। उनकी तेलुगु रचना आमुक्त माल्यदम थी, जो तेलुगु भाषा में पांच महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेव राय ने संस्कृत में एक नाटक जामवती कल्याणम की रचना की। किसने? कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में एक नाटक है जामवती कल्याणम, उसकी रचना की। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। साथ ही उनके दरबार में अनेक कवियों को परिचय यानी आश्रय दिया था, जिसमें सबसे प्रसिद्ध नाम में अलसानी पेदन का। उन्होंने तेलुगु कविता के पितामह के नाम से जाना जाता था। तेलुगु कविता का पितामह कौन है? वो है अलसानी पेदन। उन्होंने तेलुगु कविता के पितामह के नाम से जाना जाता। उसकी प्रमुख रचना सवारोचित संभव है। दूसरा कवि नंदी तिम्मन था, जिसने परिजात हरण की रचना की। तीसरे कवि भट्टमूर्ति ने अलंकार शास्त्र से संबंधित पुस्तक, अलंकार शास्त्र से संबंधित पुस्तकें नरसंयुयालियम की रचना की। एक अन्य कवि हरिदास था, जो वैष्णव भक्ति के विचार से प्रभावित था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम एक प्रसिद्ध कवि था, ने पांडुरंग महात्म्य की रचना की। तो पांडुरंग महात्म्य तेनालीराम, जिसकी तुलना अकबर के दरबारी कवि बीरबल से की जाती है। इसके ऊपर काफ़ी कार्टून वगैरह भी बनते हैं, टीवी धारावाहिक भी इस पर बन चुका है। साहित्यिक रचनाओं में राजनाथ का सालुवा भी युद्ध और भागवत चंपू विशेष रूप से उल्लेखनीय, इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। शासकों की जीवनी से संबंधित रचनाओं में बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की सफलताओं पर आधारित उसकी पत्नी की काव्य रचना मधुरा विजयम है, और एक दूसरी रचना तिरुवलाम्बा की वरदाम्बिका प्रणियम है, जिसमें अच्युत राय और वरदाम्बिका के विवाह का वर्णन है। इन रचनाओं के अतिरिक्त दर्शन, एक तंत्र आदि से संबंधित भी अनेक रचनाएं लिखी गई। संस्कृत और तेलुगु भाषाओं को यद्यपि विजयनगर के शासकों ने प्राथमिकता दी, फिर भी अन्य भाषाओं के कवियों को भी उन्होंने परिचय दिया। तमिल भाषा पहले ही विकसित अवस्था में थी। विजयनगर काल में इसकी प्रगति में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ। कन्नड़ भाषा में भी अनेक तीर्थकरों और संतों की जीवनियां इस काल में लिखी हुई है। मधुर ने धर्मनाथ पुराण की रचना की तथा गौतमेश्वर की स्तुति में कविताओं की रचना की। कृष्णदेव राय के दरबार में संस्कृत एवं कन्नड़ भाषाओं में विभिन्न पुस्तकों की रचना हुई, जिनमें भाव चिंतारणम तथा वीर सेवामृत प्रमुख हैं। कृष्णदेव राय और अच्युत नारायण ने वैष्णवों, लिंगायतों और जैनों को भी संरक्षण दिया। तो इस प्रकार ये काफ़ी महत्वपूर्ण साम्राज्य था और जिसका साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।